अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आज काफ़ी दिन बाद फिर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अब्बा की साइड से एक पार्टी है, मतलब पार्टी नहीं है, अब्बा ने बोला है कि ऐसे डिनर पे ले चलने के लिए। तो हम लोग कोई ढाबा जा रहे हैं जो कि फापामाऊ में है। तो अभी चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वहाँ ढाबा कैसा है और क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो एंड वॉच। और गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। तो प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। उसके बाद अब्बा ने हम लोग को बताया कि ये ढाबा थोड़ा दूर है, यानी आउटस्कर्ट में है, 20 किलोमीटर्स है। तो इसलिए हमने कहा आपको अच्छे से होडी पहना दिया, ठंड ना लग जाए। भैया विंटर का मौसम है, अब तो ठंड लग सकती है बहुत अच्छे से। सो फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन आफ्टर एन आवर। और यहाँ मैंने देखा यहाँ पे वीरे पार्टी लॉन भी था, जो कि उन्हीं का था, शिया ढाबा के ओनर का था। एंड देर इज़ ऑल्सो अ शॉप जो कि बाहर की तरफ है, काफ़ी अच्छी शॉप है जनरल मर्चेंट की। एंड उसके बाद जब एंट्रेंस में हम लोग गए, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत ही अच्छी पार्किंग दी हुई है उन्होंने, और गाड़ी पार्क करने की कोई दिक्कत नहीं होनी है। और राइट साइड में दिया है बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए एक तरह से लॉन टाइप का। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, और झूलों पे बच्चे तो नहीं बैठा, मतलब बच्चे को तो बाद में बिठाया, हम लोग अपना बैठ के झूल रहे थे। उन्होंने इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। बहुत कोई मतलब नहीं, डार्क आ रही है। काफ़ी देर तक मस्ती मारने के बाद फिर हम लोग का ये हुआ कि भैया खाना भी खाना है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग झूला झूलने नहीं आए हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, बहुत ही, मतलब कि कई पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पार्टी लॉन है इधर की तरफ, इस तरफ भी आपका रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये ओपन में है, देन ये पूरा फुल्ली ओपन है। एंड हाँ, अंदर लॉन है, हॉल है, सब कुछ है। काफ़ी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी मतलब अच्छा ठंडा कोजी सा मौसम हो रहा था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। लाइटनिंग बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात थी यहाँ का एम्बियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आई डोंट थिंक सो प्रयागराज में ऐसा रेस्टोरेंट होगा, सिटी में तो होगा ही नहीं, एंड बाहर भी मुझे नहीं लगता है। एंड देन आप देख सकते हो इंडोर वाला भी बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ है। एंड यस, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जेंट्री बहुत अच्छी आई हुई थी, और यहाँ की जेंट्री को देख के लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, फैमिली के लिए सेफ़ है, विमेंस के लिए सेफ़ है। तो आई थिंक कि फैमिलीज़ आ सकती हैं यहाँ पे और डाइन इन कर सकती हैं, लंच कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद हम लोगों ने मेन्यू मंगवाया, एंड मेन्यू में जो वेटर आए थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे, फ्रेंडली थे, यानी वो खुद ही बता रहे थे कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। एंड ऑलमोस्ट सभी चीज़ वो कहते अच्छी है, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ का फेमस चना चना समथिंग था, चना फ्राई, तो उसके लिए बताया कि वो काफ़ी अच्छा है, तो हम लोगों ने चना फ्राई ऑर्डर किया। एंड चना फ्राई जब आया ना, तो वो लिटरली जो उन्होंने बोला था वही हुआ। इट वाज सो टेस्टी एंड इट वाज अ यूनिक डिश, क्योंकि ये हमने कहीं भी नहीं खाया हुआ था। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर आया रोस्टेड चिकन, जो कि प्रेजेंटेशन से ले करके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। 5 out of 5 मैं दूँगी इसको। एंड येस, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि टाइमली खाना आ रहा था, बहुत ही जल्दी सर्व हो रहा था। और फाइनली हमारा आया हांडी मटन प्लस रोटी प्लस राइस, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। हांडी मटन आई विल नॉट रिकमेंड। एंड पीछे हो रही थी बर्थडे पार्टी, जिसमें कहब ने बहुत इन्जॉय किया, सो आई विल शो यू वॉट ही डिड। और फाइनली हांडी मटन को हांडी से निकालने का टाइम आ गया।
ये मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और 3-4 दिन में मेरा वीडियो आएगा तो ये उसको देखेंगे, वॉच करेंगे। इनका आप ही जी, आप ही ओनर हो तो ये यहाँ के ओनर हैं। और तो खाना खाने के बाद हम लोग ओनर से मिले और ओनर बहुत ही अच्छे, बहुत ही फ्रेंडली थे। उन्होंने जब उनको पता लगा कि मैं यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि ही विल कॉल मी, और जिस जब मैं पूरा एक एक उनके किचन और हर एक चीज़ का एक प्रॉपर व्लॉगिंग कर पाऊँगी तो आई फील लाइक बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम लोग ये आउटडोर वाली जगह पे आ गए जहाँ पे हम लोगों ने चाय का मज़ा लिया। एंड लिटरली ठंड में चाय का जो मज़ा होता है ना वो इसी तरह आता है, कहा बेचारा बहुत ज़्यादा ठंड में वो था तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी ली चाय बस पिया और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और उन्होंने हम लोग को ये भी बताया कि हम लोग यहाँ बॉनफायर कर सकते हैं ठंड में, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि अगली बार मैं जब जाऊँगी तो वहाँ बॉनफायर का मज़ा ले पाऊँगी। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और काफ़ी लंबा डिस्टेंस था क्योंकि घर से 1 घंटे की दूरी पे था, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास था। तो इतनी देर में तो हम लोग का अपने एक नैप ले ली है और अब जब घर पहुँचे तो इतना ज़्यादा थकान लग रही है, इतना ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल भी अब लग रहा है कि बस जाके सो जाओ, जल्दी जल्दी मेकअप उतारो सो जाओ। तो गाइज़ आप लोग भी विज़िट करिएगा, बहुत अच्छी जगह है शीशा ढाबा और अपने फैमिली के साथ आप लोग जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, टाटा।